नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। और आज वही लेटेस्ट ट्रिक के साथ मैं आया हूँ, और टिप्स देने के लिए जो टिप्स है आप स्पेशली देख सकते हैं। अभी वीडियो रैंकिंग हो गया, SEO हो गया। अभी जो नए क्रिएटर्स है वो बोलते हैं कि हमारा वीडियो वायरल नहीं होता, ट्रेंडिंग नहीं जाता। वीडियो बना दिया, अभी उनके सब्सक्राइबर जीरो है, व्यूज भी जीरो है। कोई एक दो व्यूज आ जाते हैं भूल बिसरे, या व्हाट्सएप आपसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप ले लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा कहना है कि आपको व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जो भी है, अपना फेसबुक, उन पे शेयर ही नहीं करना है, और उनसे शेयर ही न करके ही अपने को सब्सक्राइबर्स, रियल सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ अपने को कलेक्ट करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए अपने को क्या करना है, अपने वीडियो को ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो जैसे ही आप वीडियो डालते हैं तो आपका वीडियो, आपको मालूम रहेगा कितने दिन बाद में यूट्यूब उसको यस करता है। आपको 72 hours आपके वीडियो को लगता है, यानी 72 hours बाद में आपका वीडियो चलने के लिए तैयार रहता है। कभी आपने देखा है आपका पब्लिक होने के बाद में आपका वीडियो जाता है? नहीं जी, आप वो आपके पहले सेंटर पे जाएगा, फिर वहाँ से वो अपना लोकल यूट्यूब सेंटर पे जाएगा अपना वीडियो, वहाँ से फिर वो वायरल होगा, वो कंट्री तक जाएगा, कंट्री से वर्ल्ड तक जाएगा, और आला स्ट्रीम्स अलग अलग यूट्यूब सेंटर से वो फिर वायरल होगा। क्या आपने सोचा है इसमें कि ये क्या कहानी है, क्या स्ट्रेटजी है इसमें? तो फ्रेंड्स, अभी बता देता हूँ वीडियो ऑप्टिमाइजेशन। आप YT स्टूडियो में जाएंगे, वहाँ पे अपने वीडियो को देखेंगे, एनालाइटिंग देखेंगे, वहाँ पे अपने को उसमें जो आप डिस्कवरी ऑप्शन आता है YT स्टूडियो में, कि कहाँ कहाँ पे आपका वीडियो किस प्रकार से देखा जाता है, कौन कौन सी कंट्री में देखा जाता है, क्या क्या सजेस्ट वीडियोज़ उसकी लिस्ट में आ रहे हैं। अगर आपका सजेस्ट लिस्ट में आपका वीडियो चल रहा है तो शायद आपका वीडियो वायरल होगा। क्या आपका डिस्कवरी में यूट्यूब सर्च में आपका वीडियो 100% अबव 50% से ऊपर आ रहा है, तो आपका वीडियो ज़रूर किसी ना किसी दिन वायरल होगा। ये मैं नहीं कहता, ये अपना ये जो इसका सिस्टम है वो सिस्टम कहता है। आपका वीडियो अगर डिस्कवरी के सजेस्ट में जाता है, ब्राउज फीचर्स में, यूट्यूब सर्च में, सर्च टर्म्स में, आपने क्या टैग डाला है वो आप यूट्यूब सर्च टर्म्स में देख सकते हैं। अगर वो काम कर रहा है आपका टैग, तो आपका वीडियो ट्रेंडिंग वीडियोज़ में, वायरल वीडियोज़ में जाएगा, यानी उसके व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि आप YT स्टूडियो को अच्छी तरह से समझेंगे और अपने वीडियो का ऑप्टिमाइज अच्छा करेंगे, टैग मेटा डाटा जो भी रहता है वो अच्छा भरेंगे, तो अपना वीडियो ज़रूर ज़रूर आगे जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए कब तक ये वीडियो कहाँ तक जाता है। और मेरा मकसद YouTube कम्युनिटी को मजबूत करना है, और सारी YouTube कम्युनिटी आगे से आगे जाए, यही है। थैंक्स अ लॉट, आज के लिए इतना ही। अगर किसी भी भाई को, यूट्यूबर्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, मैं सॉल्यूशन करने का 100% कोशिश करूँगा। थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही।